महोबा की ग्राम पंचायत पनवाड़ी में बढ़ती गर्मी के चलते पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। गांव के दलित समाज के लोगों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि बस्ती में लगे हैंडपंप से लगभग 5 से 6 माह से गंदा और पीला जल आ रहा है। इस समस्या से कई बार प्रधान और सचिव को भी अवगत कराया गया, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी हैंडपंप को सही नहीं कराया गया। और जब इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सचिव को जल समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि लापरवाही होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पंचवटी चल रही है, अभी तक हमारा ना टंकी लगी हुई है और नल खराब हो जाते हैं। हम लोग खुद पैसे जोड़ कर नल सुधरवाते हैं, ना इसमें मोर्चा आ रहा है पानी पीने के लिए लायक नहीं है ये। और जिसके दरवाजे जाते हैं वो भगा देता पानी के लिए, अब पीने की दिक्कत है। कितने दिन से समस्या है ये? लगभग 2-2.5 साल हो गए इसको। ये आपने प्रधान सचिव ब्लॉक में जानकारी दी इस बात की? प्रधान से कई बार कहा, क्या बोले प्रधान? सुनते ही नहीं है कोई, और यहाँ सफाई के लिए भी कोई नहीं आता। देखिए आप यहाँ पे गंदगी है, और वो जो सफाई करने के लिए आते हैं उनसे कहते हैं सफाई करो, यहाँ तो भी मना करते थे लोग। और श्रीमान जी, हमें पानी की बड़ी दिक्कत है, खारा पानी आता है। और जब हमारी बहुत बुटियाँ जाती हैं पानी भरने के लिए तो औरतें भगाते हैं, आप लोग आदमी भगाते हैं, औरतें भगाते हैं, पानी नहीं भरने देती है, हमें बड़ी समस्या है। कब से समस्या है इसकी? ये काफ़ी दिन समस्या है साहब। हम लोग कई बार ब्लॉक प्रमुख जी से कहा, प्रधान जी से कहा था, हमारी सुनाई, और हमारे यहाँ सफाई सुथरा नहीं रहती है साहब, नाली हमारे यहाँ करने नहीं आते। हम उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि लग जाएगा, लग जाएगा। टंकी रखा है हमारे ना, हमारे मोहल्ले में टंकी है साहब, हमारी बंगों बिजली बाहर जाती है, पानी का पीने का समस्या बहुत ज़्यादा खराब है साहब हमारी। क्या चाहते हैं हम साहब? श्रीमान जी, हमारा एक काम हो जाए सर, पानी आने की सुविधा हो जाए साहब, हमारी सफाई साहब नहीं करेंगे तो साफ सफाई हम खुद कर लेंगे साहब।